तो गाइस कैसे हो आप लोग। एंड आज की जो वीडियो है हमारी उसमें बात करने वाला हूँ आपसे ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो आप जानते ही हो आप सभी के एनवीडिया के 3000 सीरीज आ चुकी है मार्केट में, 3080, 3090 एंड 3070। इनके बारे में तो आप सब कुछ सुन ही रहे होंगे, लॉन्च होने ही वाले हैं अब कुछ ही दिनों में। एंड गाइस यहाँ पर जो रूमर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3060 का, तो गाइस उसके बारे में बात करेंगे। एंड मिड रेंज पे है वो कार्ड, तो क्या आपको वेट करना चाहिए एंड कब तक ये कार्ड आएगा। एंड तो गाइस अपनी बात कर लेते हैं 3050 की, तो 3050 यहाँ पर अगर बात करें आप तो 3050 की गाइस ये कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस निकल के आई हैं। और ये हमारी जो कोपिट 7 किमी, इन्होंने ट्वीट किया था, इन्होंने यहाँ पर कार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी 3060 के बारे में, 3070 के बारे में एंड यहाँ पर 3050 भी आप देख सकते हो। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसका जो मॉडल नंबर है गाइस ये है GA107 और इसका जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर कहीं भी अभी तक मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग जरूर इन्होंने मेंशन की है। बट ये प्राइसिंग अभी क्या रहने वाली है, क्या होगी इसकी, वो तो अभी कुछ भी नहीं पता गाइज। एंड 3050 यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक बजट कार्ड आएगा और इसकी प्राइसिंग जो है वो कुछ बजट रेंज के अंदर ही होगी, मतलब ये सस्ता होगा कार्ड इतना तो पक्का है। और जो है काफी सही फीचर्स प्रोवाइड करेगा और आप सारे जो 30 सीरीज के अंदर के जो 3000 सीरीज के अंदर के जो फीचर्स हैं आप सारे वो यूज कर सकते हो। जैसे कि वही जो फीचर है आपका कि जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो आप, और जो बैकग्राउंड की जो वॉइस है उसको आप जो है हटा सकते हो एनवीडिया के सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो 3000 सीरीज के अंदर ही एनवीडिया ने भी ये सपोर्ट दिया है, तो वो इसमें भी हमको मिल जाए। अभी ये तो नहीं पता कि ये कब तक आएगा, लेकिन यहाँ पर आना तो इसको जरूर है 3050 को, तो यहाँ पर ये एक बजट कार्ड में कंसिडर हो सकता है। 3060 के यहाँ पर कुछ लीक्स निकल गए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एंड गाइस आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप ग्राफिक कार्ड लेने की सोच रहे थे थोड़ा मिड रेंज पे, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ अभी, यानी कि आपको इसमें काफी अच्छी डील मिल जाएंगी। या तो आप पुराना ग्राफिक कार्ड अगर आप बाय करोगे तो वो भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अभी OLX पे और पता नहीं कहाँ कहाँ सबने धड़ाधड़ अपने ग्राफिक कार्ड जो है ओल्ड वो बेचने शुरू कर दिए, सेल आउट करने शुरू कर दिए। 3060 का थोड़ा जो प्राइस रहेगा वो मिड रेंज के अंदर रहेगा, मतलब थोड़ा ऊपर मानिए आप इसको, 3070 से कुछ कम रहेगा। एंड कार्ड बड़ा जबरदस्त है और इसके स्पेसिफिकेशंस भी निकल के आ चुके हैं, तो वो सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एंड चलते हैं अभी जरा देख 3060 के फीचर्स। तो ये जो कार्ड है गाइस ये है 3060 हमारा, एंड 2000 से ऊपर मतलब 2560 क्यूडा कोर्स, 2560 क्यूडा कोर्स में देखने को आपको मिल जाएंगी। एंड यह है कुछ इसका डिज़ाइन, इस तरह कुछ डिज़ाइन इसका माना जा रहा है, मतलब कि 3080 लाइक उससे थोड़ा सा छोटा कह सकते हो आप इसको। बाकी जब ये आएगा जब ही पूरा सही से पता लग पाएगा इस कार्ड के बारे में, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, इसकी लॉन्च डेट क्या रहेगी, बात करेंगे इसमें आगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए एंड आपको अच्छे कार्ड यहाँ पर मिलने वाले ही हैं। 3060 यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आने वाला ही है और आपको मिल जाएगा तगड़े तगड़े फीचर्स जो है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 3060 यहाँ पर 2080 के कुछ थोड़ा सा 10% ही कम होगा उससे, यानी कि कितना तगड़ा कार्ड होगा ये तो आप जानते हो। और एंड अल्ट्रा 4K गेमिंग आपको करवाई देगा, यानी कि अभी आप देख लो कि 8K तक की रेजोल्यूशन यहाँ पर एनवीडिया ने करने की कोशिश की है। 8K यानी कि 3090 और 3080 उनका 8K रेजोल्यूशन तक भी जा रहा है। तो मतलब ये गाइस आप सब जानते हो इसलिए किया गया है क्योंकि PS5 आ चुका है एंड उन्होंने 4K गेमिंग को शुरू से टारगेट किया हुआ था, तो उस मार्केट को एनवीडिया को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर 4K गेमिंग तो तगड़े FPS पे करानी पड़ेगी, तभी उनके कार्ड बिकेंगे। तो यहाँ पर ये तो मानना पड़ेगा कि एनवीडिया ने यहाँ पर काफी तगड़ा काम किया है। एंड आप सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो कि 3000 सीरीज के कोई भी ग्राफिक कार्ड पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आप जो सॉफ्टवेयर है अभी जो नया एनवीडिया का आ रहा है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपका सीधा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के। एंड ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और ऑडियो का भी एक ऑप्शन है, आप ऑडियो का बटन दबाएंगे तो सीधी जितनी भी बैकग्राउंड की नॉइज है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो मतलब ये बहुत तगड़े जो है दोनों सॉफ्टवेयर भी काफी तगड़ा काम किया है एनवीडिया ने। एंड ग्राफिक कार्ड के बारे में तो आप जानती हो धमाल मचा रखा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो एंड उसके बाद आपको समर का बल मीठा मिलेगा, ये तो गारंटेड है। तो गाइज अभी जो इसका डेट और प्राइस की बात है, तो गाइज यहाँ पर ये जो इसका प्राइस होने वाला है ये कुछ मतलब मान लो आप 3070 से कुछ कम होगा 3060 का। एंड एक्चुअल प्राइसिंग अभी क्या है, ज्यादा कम तो गाइज नहीं होगी, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा मिड रेंज पे ही आएगा ग्राफिक कार्ड की जो प्राइसिंग होगी वो बिल्कुल भी कम, ज्यादा कम नहीं हो सकती, ये आप समझ लो। और बाकी तो गाइज ऑफर तो वैल्यू बढ़िया करेगा ही, जो यहाँ पर लीक्स निकल गए हैं उसमें भी अच्छे फीचर्स हैं। 6GB रैम के साथ आएगा ग्राफिक कार्ड 3060। तो भैया इसमें बात यही है कि आप थोड़ा वेट कर लो यार एंड उसमें फायदा मिल ही जाएगा आपको। और आप समझ लो एक बात, और भी जो तगड़ा बेनिफिट होने वाला है वो ये होने वाला है इसके थ्रू कि जैसे ही ये कार्ड अभी 3080 3090 जैसे ही लॉन्च हो जाएंगे, लॉन्च हो गए मतलब जैसे ये मार्केट में आ जाएंगे, जितने भी ग्राफिक कार्ड है ओल्ड जैसे 2080 2060 2070 ये सब जो है वो सेल आउट होने शुरू हो गए।
तो गाइस अगर आपको बहुत ही चीप और बढ़िया डील में मिल रहे हैं तो आप इनको ग्रैब कर सकते हो। एंड अगर आपको नया ग्राफिक कार्ड, वैसे जो 30,000 सीरीज है उसके ग्राफिक कार्ड लोगे आप तो आपको बेनिफिट बहुत ही तगड़ा मिलेगा। तो गाइस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो एंड आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस का मजा मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कर लोगे तो मतलब मजे ही आ जाएंगे, तो ऐसा कर लीजिए आप। एंड इस वीडियो में नहीं था गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड कर दो लाइक। एंड कुछ और आपको डिटेल चाहिए इसके बारे में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी सपोर्ट दे दो यार चैनल को थोड़ा, जिसकी जरूरत है मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम पे, तो आप थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।